हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेडी एडू क्लास। आज मैं लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, क्योंकि अब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है कि अब उनका रिजल्ट कब देंगे। उनका रिजल्ट मिलेगा 20 जून 2021 को, और ये भी जाहिर हो चुका है कि सीबीएसई ने किस बेसिस में और किस क्राइटेरिया में उनका रिजल्ट तैयार करने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ टेस्ट और एग्जाम्स और मैक्सिमम मार्क्स। इसमें है पीरियडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट जो कि 10 मार्क्स होंगे, और हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जामिनेशंस 30 मार्क्स, और प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस 40 मार्क्स। टोटल हो गया 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। सीबीएसई ने असेसमेंट को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स तैयार किए हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखेंगे 3 साल के। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल 2017 to 18 के ओवरऑल परसेंटेज है 72%, और 2018 to 19 के ओवरऑल परसेंटेज है 74%, एंड 2019 to 20 के ओवरऑल परसेंटेज है 71%, तो आपका बेस्ट ओवरऑल परसेंटेज लिया जाएगा जो कि है 2018 to 19, दैट इज 74%। और सपोज किसी स्कूल के 2 साल के डेटा परफॉर्मेंस से, तो 2 साल में से जो बेस्ट होगा उस डेटा परफॉर्मेंस को लिया जाएगा। और सपोज कोई स्कूल, अगर किसी स्कूल के पास 1 साल का डेटा परफॉर्मेंस है तो उसी को लिया जाएगा। और अगर किसी स्कूल के बच्चे इस बार पहली बार एग्ज़ाम देने वाले थे, तो उनके पास जबकि कोई अवेलेबल नहीं होगा हिस्टोरिकल डेटा परफॉर्मेंस, तो उनको सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुछ डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज और नेशनल एवरेजेस को, और उनमें से बेस्ट परफॉर्मेंस ओवरऑल एवरेज स्कोर को लिया जाएगा। और ये अलग अलग होंगे डिफरेंट स्कूल्स के लिए, इंडिपेंडेंट स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, केवीएस के लिए। और इसके लिए एक रिजल्ट कमेटी का तैयार किया जाएगा, और अगर वो रिजल्ट कमेटी देखते हैं कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो सही वेटेज में नहीं जा रहे, तो वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को भी ले सकते हैं। जो प्राइवेट या पत्राचार या सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने वाले थे, उनके लिए एक अलग से सेपरेट से स्कीम तैयार किया जाएगा फॉर द असेसमेंट, जो कि बहुत ही जल्दी अनाउंस किया जाएगा। और कुछ रूल्स तैयार किए हैं कमेटी को फॉर्म करने के लिए, उनका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिया गया है। जैसे कि प्रिंसिपल उस रिजल्ट कमेटी के चेयरमैन होंगे, और स्कूल के 5 टीचर्स होंगे 5 सब्जेक्ट्स के, और साथ ही 2 टीचर्स किसी सामने वाले नेबर स्कूल से बुलाए जाएंगे एक्सटर्नल के रूप में। और ये सारे टीचर्स क्लास 10 के टीचर्स होने चाहिए, जो इन्वॉल्व होने चाहिए टीचिंग्स में क्लास 10 में, और ये इंटरचेंज नहीं होने वाले हैं। और सीबीएसई 2 एक्सटर्नल को अपॉइंट भी कर सकते हैं इस कमेटी में। यह है कुछ इंटरनल मॉडरेशन ऑफ मार्क्स जो कि आप देख सकते हैं यहाँ, और आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी होगा स्कूल का, वो होगा लास्ट डेट 5 मई 2021, और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेट है लास्ट डेट 10 मई 2021, और फाइनलाइजेशन ऑफ रैशनल डॉक्यूमेंट ये भी है 10 मई 2021। और अगर कोई असेसमेंट कंडक्ट करना चाहे कोई स्कूल, तो वो लास्ट डेट होगा आपका 15 मई 2021, और मार्क्स अपलोडिंग के लास्ट डेट है 20 मई 2021, और फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट बाय स्कूल्स 25 मई 2021, चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल्स 28 मई 2021, सबमिशन ऑफ मार्क्स टू सीबीएसई 5 जून 2021, सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स दैट इज आउट ऑफ 20 11 जून 2021, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय सीबीएसई 20 जून 2021। सो अब टीचर्स और स्कूल्स आप सब रेडी हो जाइए इस फॉर्मेट को तैयार करने के लिए, एंड स्टूडेंट्स वेट फॉर द रिजल्ट अप टू 20 जून। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेडी टू क्लास।